हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास में एक इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप है जो सस्ता सुंदर टिकाऊ आया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ब्रांड नेम है दोस्तों, सूर्या महाराजा सेफ कर का है दोस्तों, और यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली इंडक्शन कुकर। ये इंडक्शन कुकर नहीं है, ये इंफ्रा कुकर है। ओके, तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा। मैं इसके डब्बे से बाहर निकाल दिया हूं दोस्तों, और यहां पे देख सकते हैं कि इसमें आपको मैं सबसे पहले बताने वाला हूं कि ये 2200 वाट की इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप है। कितने वाट की? 2200 वाट की। ओके, यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं टोटली इसमें 6 ऑप्शन मिलेंगे आपको। जैसे ऑन करोगे, अगर फंक्शन पे जाते हो तो हॉटपॉट, फ्राई, वार्म, बॉयल, हीटिंग, स्ट्रीम, ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसके साथ में दोस्तों टाइमर का ऑप्शन मिलेगा और लॉक का ऑप्शन मिलेगा। ओके, और यहाँ पे दोस्तों जो वाटेज होता है वो नॉर्मली वाटेज को क्या कर सकते हो, प्लस करके वाटेज को बढ़ा सकते हो जो अधिकतम 2200 वाट जाएगा, और माइनस करके दोस्तों कम से कम इसको माइनस कर सकते हो, जिसमें इसमें मान लो 300 वाट तक। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले हम इसको आपको चेक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं इसको सप्लाई देता हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं ऑन करूँगा, यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे क्लिक करूँगा, 1600 वाट से यहाँ पे शुरू हो जाएगा आपका, और यहाँ पे मैं इसको प्लस करूँगा तो आपका 2200 तक जाएगा। कितने जाएगा? 2200 तक जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ से माइनस करूँगा तो सबसे कम आपका यहाँ पे 100 वाट तक है, सबसे कम 100 वाट, अधिकतम 2200 वाट है। ओके, उसके बाद दोस्तों ये आपका फंक्शन है, देख सकते हैं अभी यहाँ पे वार में जाएगा, फिर हॉटपॉट में जाएगा, स्ट्रीम फ्राई में जाएगा, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका टाइमर भी दिया हुआ है, टाइमर आप यहाँ पे लगा सकते हैं अगर जितना देर तक इसको बंद करना यहाँ पे, और यहाँ पे टाइमर को कम भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे लॉक का, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक लॉक का ऑप्शन है, लॉक हो जाएगा तो कोई टच इसमें काम नहीं करेगा। ओके, फिर इसको पुश करोगे थोड़ी देर के लिए, फिर लॉक हट जाएगा, यहाँ से मैं ऑफ कर दिया। तो इसके फंक्शन के बारे में बता दिया, अब मैं बताऊंगा दोस्तों इसकी क्वालिटी के बारे में। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों मैं इसका जो ग्लास है, ग्लास को बाहर निकाल दिया, अब इसकी अंदर की संरचना क्या है, अंदर की बात क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताऊं, यहां पे आपको मिलता है एक 2200 वाट की क्वाइल मिलती है, इंफ्रा क्वाइल मिलती है। ओके, इसमें खासियत है दोस्तों, अगर आप इसको, ये दोनों पॉइंट को सीधे आप बिजली से कनेक्शन कर देते हो, 220 वोल्ट इसको एसी देते हो, तभी भी यहाँ पे क्वाइल आपका रेड हो जाएगा। ओके, तभी भी आपका काम करेगा। लेकिन दोस्तों हम क्या किए हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे इसको इंफ्रा क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे इसमें एक पीसीबी लगा हुआ है। ओके, ये आपका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल हो गया। अब दोस्तों आप यहाँ पे फोकस करेंगे, मैंने इसके ग्लास को बाहर निकाल दिया, अब इसकी अंदर की बात आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आपका एक क्वाइल है, एक फैन है, एक डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है, और एक आपका मेन पीसीबी है। ओके, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, अगर ये दो वायर देख रहे हो, ओके, एक ब्लू कलर का, एक रेड कलर का, अगर आप इसको बिजली से कनेक्शन कर देते हो, यानी डायरेक्ट आप एसी इसको 220 देते हो, तभी भी आपका क्वाइल यहाँ पे रेड हो जाएगा, तब आपका क्वाइल काम करेगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए, किसको कंट्रोल करने के लिए, इसकी हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक ट्रैक लगी रहती है इसके अंदर में, जो इसकी होती है BTB 800। ओके, यानी समझ लो 16 एम्पियर 800 वोल्ट का एक ट्रैक लगा होता है। अब ट्रैक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आईसी है, जो PWM से कंट्रोल होती है ट्रैक, उसके बाद दोस्तों इसकी सर्किट बनाई होती है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर को सेंस करने के लिए यहाँ पे एक PTC यूज किया हुआ है। ओके, PTC कहने का मतलब इसके जितने ऊपर टेम्परेचर पड़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, NTC नहीं है, PTC है। और यहाँ पे PCB की क्वालिटी आप देख सकते हैं, PCB क्वालिटी अच्छी है, और ये डिस्प्ले कंट्रोल पैनल है दोस्तों। अब आपको मैं बताऊँगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार आपको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बताऊंगा दोस्तों कि आप इसको यूज करते हो नॉर्मल इंडक्शन से कितना इसमें बिल आता है, तो आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको सप्लाई देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं सप्लाई देता हूँ, सप्लाई देने के बाद दोस्तों इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ और 2200 वाट ले जाता हूँ। ओके, 2200 वाट में दोस्तों ये यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मली कितना एम्पियर ले रहा है, 10 एम्पियर ले रहा है, 10.2 एम्पियर ले रहा है। तो कहने का मतलब एक्चुअल इसकी जो वाटेज है 2200 वाट ही है। ओके, कितनी वाट है दोस्तों? 2200 वाट है। अगर मान लो 2200 वाट में अगर इसको एक घंटा यूज करते हो तो आपका कम से कम 2 से 2.5 यूनिट का बिजली बिल आएगा। ओके,
अगर अलग अलग स्टेट में, जैसे मान लो मेरे पास पर यूनिट मैं घर की बात करूं तो लगभग में 5 से 7 रुपए की होती है, कमर्शियल 8 से 10 रुपए के बीच में है। ओके, तो वैसे दोस्तों मान लो कि अगर मैं इसको 1 घंटा यूज करता हूं अपने छत्तीसगढ़ में, अपने घर पे यूज करता हूं, तो मेरे को कम से कम दोस्तों इसमें 10 से 12 रुपया खर्च आएगा। तो 1 घंटा में आप क्या क्या बना सकते हो वैसे आप एवरेज जोड़ लेना। अब दोस्तों मैंने इस इंफ्रा इंडक्शन कुकटॉप के बारे में बता दिया, कितना बिजली बिल आता है वो भी आपको बता दिया। अब दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले जो नॉर्मल इंडक्शन कुकटॉप होता है, जो इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, जो उसके लिए बनाया गया है, जिसमें आपका स्टील मेटल ही काम करता है, ओके, आयरन भी काम कर लेता है, तो दोस्तों अगर उसको मान लो अगर 1 घंटा यूज करते हो तो वो आपको 1 यूनिट के समथिंग आपका आएगा, उसके आसपास ही आएगा। ओके, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा सबसे पहले इस इंफ्रारेड इंडक्शन की क्वालिटी के बारे में। आप लोग बहुत सारे इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप लेते होंगे, अलग अलग कंपनियां का भी आता है, बहुत सारे कंपनियां आजकल बजाज भी बनाने लगी, उषा भी बनाने लगी, पिजन, हेवल, सब कंपनी आजकल इंफ्रा बनाने शुरू कर दी। ओके, सेलो का भी अच्छा पहले से ऑलरेडी आता था, लेकिन दोस्तों जो ग्लास की क्वालिटी होती है वो ब्रांड की अच्छी होती है। ओके, नॉर्मली दोस्तों मैंने इसका आपको बताया था कि इसकी ग्लास की क्वालिटी लगभग में यूज के हिसाब से, जैसे मान लो जितना ज्यादा आपका यूज हो, मान लो आप ज्यादा यूज करते हो तो हो सकता है 3 से 6 महीना चले, आपका यूज कम है तो साल भर भी चल सकता है। तो ग्लास की इसमें कोई वारंटी गारंटी नहीं होती कितना दिन तक चल सके। ओके, जो ब्रांडेड आ रही है हो सकता है ग्लास की वारंटी दे, कुछ नियम और शर्तें हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दिया, अगर आप मान लो इस टाइप का इंफ्रारेड इंडक्शन कुकटॉप लेना चाहते हो तो मेरे पास 6 पीस की पैकिंग होती है, मैं सिंगल पीस सेल नहीं करता हूं, तो आपको कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अगर आप बिलासपुर के आसपास में हो तो यहां से आप आके ले सकते हो। बाकी दोस्तों इसकी मैं पूरी डिटेल्स वीडियो में बता दिया और क्वालिटी के बारे में बता दिया, पीसीबी क्वालिटी बढ़िया है और प्लास्टिक क्वालिटी बढ़िया है और कांच दोस्तों नॉर्मल क्वालिटी का है। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए।